जी सर, कोई इशू आ रहा है? एक्चुअली लाइट चली गई थी, दोबारा से रिस्टार्ट हुआ है सिस्टम। जी बच्चे सर, कह रहे हैं कि हमारी कंप्यूटर की क्लास है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लें, अगर कंप्यूटर की है तो फिर हम बाकी इधर कर लेते हैं। नहीं सर, आप कंटिन्यू और रखें। अभी जो भी जेनेरिक के स्टूडेंट्स हैं, काइंडली आप माइक्रोबायोलॉजी की क्लास ले लें, ठीक है? अभी सर के पास टाइम है क्योंकि आपके सर क्लास ले रहे हैं, तो मैं आपकी क्लास बाद में ले लूँगा, कोई मसला नहीं है। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें अच्छा सर। चले, आपकी अपनी है फिर तो घर की बात है, जी खैर सर, कोई मसला नहीं। जी सर, आप कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है। आगे सर। से ब्लड सक करेंगे और
साथ में वायरस लेके जाके बैठ जाएंगे, किसी दूसरे को बाइट करेंगे तो उसको वो पेशेंट वाला वायरस गिफ्ट करेंगे। तो ये बात को समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ऐसे वार्ड्स के दरवाजे, उसकी खिड़कियां, जहाँ पे ऐसे पेशेंट होते हैं वहां पे दरवाजे खिड़कियां बंद होती हैं। ठीक है, वहां पे नॉर्मली वार्ड्स की दरवाजे, नॉर्मल जो वार्ड होते हैं सर्जरीज वगैरह की, अगर देखें वहां पे खुली होती है, लेकिन ऐसे आइसोलेशन वार्ड या स्पेसिफिक डिजीजेस जो है जो ट्रांसफर हो सकती है वैसे, तो उनके दरवाजे खिड़कियां पर लिमिटेड एंट्रीज और एग्जिट्स होते हैं। ठीक है, तो नर्सेज को नॉलेज होना चाहिए, इस पॉइंट को मैं रिपीट कर लेता हूँ दोबारा, कि इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल कुछ इन्फेक्शन टच से, कुछ एयर से, कुछ ड्रॉपलेट से, कुछ कंटामिनेटेड फूड वाटर से, कुछ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या कुछ आर्थ्रोपोड बाइट से, या कुछ कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब अगर नर्स किसी को ब्लड लगा रही है तो वो सबसे पहले देखेगी कि उसकी स्क्रीनिंग हुई है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं कि बाहर से कोई भी टी पॉजिटिव का ब्लड उठा के लाया है और वो पेशेंट को भी पॉजिटिव का ब्लड उसने लगा दिया, नहीं, वो पहले रिपोर्ट देखेगी जो साथ में लगी हुई हो, जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि इसका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी टेस्ट हो गया है, ये ब्लड साफ सुथरा है। ठीक है, ये ब्लड साफ सुथरा है, इसको लगाया जा सकता है। फिर नर्स के पास उनके बेसिक नॉलेज था, वो चेक करेगी, उसके बाद वो जो है वो ब्लड पेशेंट को लगेगा। तो ये नॉलेज जो है पेशेंट को हेल्प करेगी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर नर्स को पता होगा कि जो डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बाकियों को आ रही है, जी सर बाकी सबको आवाज आ रही है, मैडम आपके पास इशू आ रहा है, बाकी सबको सही आवाज आ रही है। ये आपकी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास हो रही है, जेनेरिक सेमेस्टर फर्स्ट और पोस्ट आरएन सेमेस्टर फर्स्ट, इसमें कुछ कंटेंट ऐसे थे जो सिमिलर हैं दोनों सेमेस्टर के, इसलिए कंबाइन क्लास हो रही है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेक्चर आराम से सुने। विंडोज और क्या कहते हैं वेंटिलेटर्स के
वेंटिलेशन के थ्रू, सिस्टम के थ्रू वो रिलीज नहीं किया जाता, बल्कि ऐसे आइसोलेशन रूम्स में फिल्टर्ड रूम्स होते हैं, यूज्ड कंज्यूम्ड एयर जो है वो रूम से प्रोसेस होके बाहर निकलता है फिल्टर से होके, तो जो ऑर्गेनिज्म उस पेशेंट की वजह से उस रूम में स्प्रेड हुए हैं वो उन फिल्टर्स में ट्रैप हो जाते हैं, उस रूम से बाहर साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर नर्स के पास नॉलेज होता है, डॉक्टर्स के पास नॉलेज होता है, तो वो इन्फेक्शन लिमिटेड रहता है एक खास रूम तक वो फैलता नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो इसका है जो रोल के एक स्टराइल फील्ड मेंटेन करना, अ नर्स मस्ट नो प्रोसीजर यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन अ स्टराइल फील्ड इन द हॉस्पिटल, दीज आर बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि आप देखें ऑपरेशन थिएटर में स्टराइल फील्ड बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नर्स को पता होना चाहिए कि कैसे उसने ऑपरेशन से पहले हर एक चीज साफ सुथरी रखनी है, ठीक है, कैसे उसकी क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, और इन्फेक्शन के बाद ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन को कैसे अवॉइड करना है। अब देखिए ना, वो ज्यादातर वो शीट्स आपके जो सर्जरी के लिए यूज होने वाले टूल्स, वो सारी की सारी चीजें वो एक पेशेंट को जैसे ही ऑपरेट किया जाता है वो सारी चीजें वो शीट्स और वो चीजें चेंज कर दी जाती है, ठीक है, वो ऑटोक्लेव में चली जाती है, वो स्टरलाइजेशन की चीजें, ठीक है, और दूसरी चीजें वो फ्रेश जो है ऑटोक्लेव स्टराइल बैंडेजेस करने हो, सर्जरी हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें ग्लव्स वगैरह रिमूव करके उसी पेशेंट के आगे जो डस्टबिन होता है इस पर डिस्कार्ड करके नेक्स्ट पेशेंट की तरफ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक पेशेंट के जो पैथोजेंस है वो दूसरे पेशेंट तक नहीं जाते, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो है वो स्टरलाइजेशन है, फिर डिसइंफेक्शन है, फिर सैनिटाइजेशन है, फिर एंटीसेप्सिस है, फिर प्रिजर्वेशन है, आखिर में कीमोथेरेपी आती है छठा, ठीक है, आखिर में एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। तो स्टरलाइजेशन ऐसी टेक्निक है जो इंश्योर करती है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसके स्पोर्स हैं वो जो टूल्स जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का, अगर कोई भी टूल आप यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो, उसके ऊपर कोई भी स्पोर मौजूद ना हो, कोई लाइफ फॉर्म उसके ऊपर मौजूद ना हो, आपके उसकी
कोई नहीं, थैंक यू सर, बहुत नॉलेज हो।